नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डॉक्टर कंप्यूटर में। तो आज हम इस वीडियो में किसानों को कितनी ज़मीन पर कितना लोन मिल सकता है तो उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि बैंक मुझे 50,000 का लोन दे रहा है या फिर 25,000 का लोन दे रहा है, इस प्रकार से वो लोन दे रहा है क्योंकि मेरी ज़मीन कम है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे रेड कलर के बटन पर जाकर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि 24 तारीख से पहले जिन किसानों ने केसीसी कार्ड के लिए आवेदन किया है उन्हें केसीसी कार्ड अब मिल जाएगा। तो दोस्तों लगभग 25 तारीख तक सभी किसानों को जिन्होंने केसीसी कार्ड के लिए आवेदन किया है उन्हें सभी को केसीसी कार्ड मिल जाएगा और इसका जो लोन है वो भी इनके अकाउंट में आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि क्या है। कई सारे लोग कहते हैं कि बैंक हमें 50,000 का लोन दे रहा है या उससे कम का लोन दे रहा है, कितनी ज़मीन पर हमें कितना लोन मिल सकता है। तो दोस्तों इसकी 1,60,000 इसकी लिमिट है, आपको 1,60,000 तक लोन मिल सकता है। तो हमारे पास कितनी ज़मीन होनी चाहिए कि हमें 1,60,000 पूरा मिल सके। दोस्तों हमारे बैंक के द्वारा हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि हमें 1 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन होनी चाहिए जिससे कि हमें 1,60,000 तक मिल सकता है। अगर आपका 1 एकड़ से कम की ज़मीन होती है तो वह आपके बैंक मैनेजर पर निर्भर करता है कि वह आपको कितना लोन दे सकता है। तो दोस्तों लगभग आपको 1,60,000 रुपये लेने के लिए आपके पास 1 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन होनी चाहिए। अगर आपकी उससे 1 एकड़ से कम है तो आपके बैंक में जाकर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपको कितना वहाँ पे लोन मिल सकता है। पर ज़्यादातर तो 1,60,000 रुपये लेने के लिए 1 एकड़ की ज़मीन क्यों होनी की ज़रूरत होती है। दोस्तों तो उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आई होंगी। धन्यवाद।